कि आपने सब्जेक्ट में जो है अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं, ठीक है। रोड मैप टू सिक्योरिंग हाई मार्क्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसके अंदर ये है कि आपने सबसे पहले नोट्स मेकिंग करनी है। नोट्स मेकिंग इस तरह से होगी कि आपको जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसको आपने जो है स्लाइड्स अपने पास सेव कर लेनी है, और उसके अंदर जो है फर्दर जब मैं कोई आपको जो रीडिंग्स दूंगा, ठीक है, उनको रीड करके उसके अंदर आपने ऐड करना है, ठीक है। तो कंटेंट्स के आवाज हिसाब से आपने जो भी स्लाइड्स मैं आपको दूं, उनको आप चाहे हार्ड फॉर्म में चाहे सॉफ्ट फॉर्म में फर्दर आपने उनके अंदर ऐड करते जाना है, ठीक है। आपको एडिटोरियल्स शेयर करूंगा गाहे इस वक्त के साथ साथ, पर्टिकुलरली डिजिटल मीडिया के ऊपर, डिजिटल सिक्योरिटी वगैरह हो गई और उसके अलावा बाकी चीज़ों पे ना, और उसके अलावा रिकमेंडेड रीडिंग्स वगैरह हैं कुछ, वो आपको दूंगा। तो आपने उनके अंदर जो है स्लाइड्स के साथ उनको ऐड करते जाना। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे आप कभी भी हाई नंबर नहीं ले सकते, हाई मार्क्स, ठीक है। तो अपने नोट्स मेकिंग करें, कम अज कम एक टॉपिक पे आपके पास लेंथी नोट्स होने चाहिए, 30 से 40 पेजेस के एक टॉपिक के ऊपर। दूसरा ये है कि आपने कंसेप्ट केस अप्रोच से चलना है। कंसेप्ट केस अप्रोच, एक तो मेरे पास बुक भी है, वो भी मैं आपको उसकी रीडिंग वगैरह करवाऊंगा। कंसेप्ट है, साथ में केसेस हैं, केसेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैं, लाइक स्पेन है, लाइक चाइना है, लाइक यूरोप है, लाइक नॉर्थ कोरिया है, लाइक मिडल ईस्ट है, लाइक जापान है, ठीक है। तो लेकिन आपका जो ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो पाकिस्तान पे होना चाहिए। तो उस हवाले से ये है कि जो मैं एडिटोरियल शेयर करूंगा उसके अंदर जब डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगी वो आपके केसेस होंगे, ठीक है। उन केसेस फॉर एग्जाम्पल जो है इलेक्शन 2018 के हुए, तो उसमें जो है मीडिया ने क्या रोल प्ले किया, ये एक केस है आपके लिए, ठीक है। उसको आपने अच्छा रोल है तो अच्छा, बुरा रोल है तो बुरा, एज अ मीडिया फ्रीडम, एज अ मीडिया रोल, उसको आपने नोट कर लेना है। उसके अलावा और मुख्तलिफ जो है, ये तो बड़ा ही यू कैन से वास्ट ये स्कोप है इस मीडिया का। आप हजारों एग्जांपल कोट कर सकते हैं, हजारों, ठीक है। कैसे, आपको पता है आप 24 घंटे मीडिया देखते हैं और मीडिया आपके साथ 24 घंटे जो है लिंक्ड है, ठीक है। मीडिया वो चीज़ है जो कि आपके साथ 24 घंटे लिंक्ड है और आपके पूरी पूरे सफेयर को जो है वो कवर करता है। सफेयर हियर मीन पूरा का पूरा पाकिस्तान आपके गिर जो रहा है, आपके जो है घर से लेकर आपके पूरे के पूरे पाकिस्तान तक और पूरे के पूरे एशिया तक आपको कवर करता है। तो फिर आपको एग्जाम्पल्स की कमी नहीं फील होगी, आपको बेताशा एग्जाम्पल मिलेंगी। आप हिस्ट्री से, आप किसी भी इवेंट से, आप जो है कोई भी पाकिस्तान का इश्यू है, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज है, चाहे वो जो है फेमिनिज्म का इश्यू है, चाहे वो जो है गुड गवर्नेंस का इश्यू है, चाहे वो वाटर क्राइसिस है, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसमें मीडिया का क्या रोल है वो आपको कहीं पे भी आप खुद से भी बना सकते हैं। कहीं पे भी आपको उससे रिलेटिव रेलिवेंट कोई भी आर्टिकल मिलता है, दिस इज कॉल्ड केस अप्रोच, ठीक है। आपको केसेस रेडी करने, और कहीं कहीं जहाँ पर मीडिया का नेगेटिव रोल है, मीडिया जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है, मीडिया जो है मतलब कि सेंसर्ड न्यूज शेयर कर रहा है, जैसे कि पिछले दिनों में डॉन ने जो है वो क्या कहते हैं हमारे फोर्सेज के अगेंस्ट की, ठीक है। उसके अलावा जो है बलूचिस्तान के हवाले से कुछ जो है जीवन से कि फेक न्यूज वगैरह शेयर होती रहती है, दीज आर कॉल्ड केसेस। आपने इनको नोट कर लेना है, ठीक है। पर्टिकुलरली आपको पता है कि आपने टॉपिक के दोनों साइड्स कवर करनी है, प्लस पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी। तो आपने जो भी कंसेप्ट हो, जो भी थ्योरी हो, जो भी कंसेप्ट हो, उसमें जब तक कि आपने 5-6 एग्जांपल्स कोट नहीं करनी पेपर में, तब तक आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर आपने केसेस कोट किए हैं जितने ज्यादा से ज्यादा और आपने नोट्स में ऐड करते गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 70+ नंबर आएंगे, ठीक है। जर्नलिज्म में जो है इंशाल्लाह आपकी इसी तरीके से जो है आपको लेके चलेंगे। नेक्स्ट है रीडिंग द स्लाइड्स, इमोशन एडिटोरियल रीडिंग, रेकमेंडेड रीडिंग, ये मैंने आपको बता दिया। एमसीक्यूज प्रिपरेशन इज नेक्स्ट पोर्शन, ये आपको मैं जो है मेरे पास जितने भी एमसीक्यूज पड़े हैं वो आपसे शेयर करूंगा, उनको आपको टेस्ट वगैरह होंगे वो आपने प्रिपेयर करने हैं। इंशाल्लाह एमसीक्यूज में आपके 15+ और 20 मार्क्स लेने के जो है आपने टारगेट रखना है, हमारा भी यही टारगेट होगा, आपको लेके चलेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, मुख्तलिफ जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना है और छोटे मोटे जो है और मुझे चेक करवाते रहना है, ठीक है। चाहे आउटलाइन बनाए, चाहे फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहें, 5 पेपर में से, जैसे मैंने आपसे शेयर भी किए हैं। उसके अलावा जो है आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपके शॉर्ट टेस्ट भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो है जब मैं समझता हूँ 1/3 कवर हो गया है आपके सिलेबस का, तो आपसे एक टेस्ट ले लेंगे। उसके साथ ही आपके मॉक्स होंगे, वो आपने लाजमी जो है वो क्या कहते हैं वो करने हैं, कवर करने हैं।